सो हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे दे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। सो मैं हूँ वैशाली, आपकी करंट अफेयर्स मेंटर, और एक बार फटाफट से मुझे बता दीजिए कि क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है, मैं आपको विजिबल हूँ, बताइए स्टूडेंट्स। आप सभी बता दीजिए मेरी वॉइस ऑडिबल है। शुभम, कशिश, अनुराग, तारिक, विशाल भट्ट, एक्स बॉस, गुड मॉर्निंग एवरी वन, वंशिका, गुड मॉर्निंग बच्चे। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन ऑफ टुडे। सो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी विल बी कवरिंग दी वीकली करंट अफेयर्स। ठीक है, हम यहाँ पर बेटा वीकली करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट सेशन इसलिए भी हो जाता है, बिकॉज एक तो ये रिविजन का पार्ट है, दूसरी चीज़ कि यहाँ पर बेसिकली वट वी विल डू कि हम यहाँ पर जो भी क्लास छूटी है उसका हम रिविजन कर लेते हैं, राइट। सो एक बार आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू कि एक बार आप सेशन को शेयर कर दीजिए। मेरी हेल्थ थोड़ी सही नहीं है, ठीक है, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, बट स्टिल सेशन वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू ऑल वर वेटिंग, ठीक है। आई एम एक्सट्रीमली नॉट फीलिंग वेल, बट स्टिल हम बहुत धुआंधार तरीके से सारी चीज़ों को कवर करेंगे। वैशाली मैम आ जाती है तो धुआंधार हो जाता है ना। तो लेट्स स्टार्ट। सो थॉट ऑफ द डे क्या है बेटा? मेक योर सेल्फ द बेस्ट। हमें अपने जो एम है, हमारा एम तो हमको पता है कि हमारा एम क्या है, ठीक है, और हमारे एम के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर हम दादा पापा मामा क्या बोलते हैं, फिर आगे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, लोग, पेंसिल, कवर, इयर रिंग या कुछ भी कह लो, ठीक है, पेन कह लो, पेंसिल कह लो, जूता, मोजा, कपड़ा, सबकी बात पर विश्वास करते हैं, सबकी चीज़ों पे विश्वास करते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है अपने ऊपर विश्वास करना हर जब, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है शैलजा सिंह, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अपने ऊपर भरोसा करना, वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप अपने ऊपर भरोसा कर लेते हैं तो आप आधी जंग तो वैसे ही जीत लेते हैं। बस अपने आप को बहुत ही बेस्ट बनाइए, मेक योर सेल्फ द बेस्ट। अपने आप को बेस्ट बना दीजिए कि सामने वाला भी आपसे एक बात बोलने में चार बार सोचे, ठीक है, इतना बेस्ट अपने आप को बनाइए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और आज के सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं, हम करेंगे बेटा यहाँ पर वीकली करंट अफेयर्स। वीकली करंट अफेयर्स में बहुत कुछ यहाँ पे रहने वाला है। आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू कि आप एक बार ना सेशन को शेयर कर दो धुआंधार तरीके से, फटाफट से। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो हमारा फॉर्मेट रहेगा वो हमारा वीकली करंट अफेयर्स करेगा। फर्स्ट 15 क्वेश्चंस विल ओनली बी इन इंग्लिश, बिकॉज थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा था जिसकी वजह से मुझे इंग्लिश में टाइप करना पड़ा, वो हिंदी में हो नहीं रहा था। बट आफ्टर 15 क्वेश्चंस और एवरीथिंग विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी। सो जस्ट स्टे विद मी, मेरे साथ रहिए, हम इंग्लिश हिंदी दोनों में अच्छा करेंगे, ठीक है, मतलब पढ़ेंगे, बाइलिंगुअल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स करने वाले हैं फ्रॉम 12th टू 17th ऑफ दिसंबर। आज 17th ऑफ दिसंबर है और आज हम पूरा का पूरा यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे अच्छे तरीके से। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। है ऐसे क्यों आ रहा है यार? ये लिखा हुआ आ रहा है, एक मिनट।
से क्यों शो हो रहा है ये? चलो इसका आंसर करिए फटाफट से पहले क्वेश्चन का. India will be hosting the 17th Pravasi Bharatiya Divas in which of the following city from 8th to 10th of January 2023? Shubham Raj, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, बताइए इसका फटाफट से आंसर क्या होगा. इंडिया होस्ट करेगा 17th प्रवासी भारतीय दिवस किस सिटी में 8th टू 10th ऑफ जनवरी को. गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग. आज क्योंकि वीकली करंट अफेयर्स है ना, वीकली करंट अफेयर्स, इसलिए हम हफ्ते का पूरा रिविजन कर रहे हैं. फर्स्ट 15 क्वेश्चंस विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट. फर्स्ट 15 क्वेश्चंस विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी, अरे सॉरी, फर्स्ट 15 क्वेश्चंस विल बी इन इंग्लिश एंड उसके बाद 15 क्वेश्चन के बाद हम इंग्लिश हिंदी दोनों करने वाले हैं. आज दिमाग सेट कही ला. हाँ एक बार आप मुझे बता दीजिए कौन कौन यहाँ पे अवेलेबल है. से यस मैम, हम यहाँ पर हैं अवेलेबल. क्या हो गया एक्स बॉस? वंश बोल रहे कोई नहीं, चलिए. सो यहाँ पे फर्स्ट 15 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में रहेंगे और फिर आपका इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा. सी ठीक है, एंड नाउ बी सीरियस एंड यू नो लेट्स फोकस. इंडिया होस्ट कर रहा है 17th प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2023, ठीक है. तो आपको यहाँ पे आंसर क्या करना है, कहाँ पर ऑब्जर्व किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बेटा इंदौर. इंदौर कहाँ पर है? इंदौर कहाँ पर है? यस, इंदौर कहाँ पर है? एमपी में, मध्य प्रदेश में. अभी एमपी की बात करेंगे. सो एमपी के चीफ मिनिस्टर कौन है और गवर्नर कौन है? हु इज द गवर्नर ऑफ, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? बताइए चीफ मिनिस्टर कौन है मध्य प्रदेश का? एमपी का चीफ मिनिस्टर कौन है? हाँ सही कह रहे हो जेपी. सीएम की बात करेंगे, शिवराज सिंह चौहान है. ठीक है, और गवर्नर की बात करेंगे, मंगू भाई चंगन भाई पटेल. मंगू भाई चंगन भाई पटेल. एमपी की बात की जाए तो एमपी में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? सतपुरा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, कुनू नेशनल पार्क, और कौन से नेशनल पार्क है यहां पर? एक सतपुरा है, पन्ना है, कूनो है, और क्या है? पेंच नेशनल पार्क. तो ये सारे नेशनल पार्क यहां पर है. इसके साथ ही साथ एमपी की बात करें तो एमपी की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है मध्य प्रदेश की? बघेली, बघेली, BAGHELI, बघेली है. ठीक है, यहाँ पे लोग बघेली बोलते हैं. और इसके साथ साथ यहाँ पे बुंदेलखंडी भी चलती है. बुंदेलखंडी. यहाँ पे एक टेम्पल है जिसका नाम क्या है? खजुराहो टेम्पल. यहाँ पे एक टेम्पल है जिसका नाम क्या है बेटा? खजुराहो टेम्पल. जब भी खजुराहो आता है, चाहे वो डांस आएगा, चाहे फेस्टिवल आएगा, चाहे टेम्पल आएगा, यू नीड टू आंसर हियर दैट खजुराहो कहाँ पर है. खजुराहो आपका एमपी में है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्तिकाय दीपम चैरियट फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. एक यहाँ पे महोत्सव होता है, फेस्टिवल होता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कार्तिकेय दीपम चैरियट फेस्टिवल. तो ये जो है किस स्टेट में मनाया जाता है? ये किस स्टेट में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके तमिलनाडु में. ये तमिलनाडु में आपका यहाँ पर मनाया जाता है. ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे. द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइज एन ओपनिंग सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 in which city?
हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. बेसिकली ये ओपन कर रहे हैं क्या, ये उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज की, ठीक है. इसका नाम क्या था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 के लिए. तो यहाँ पर आपको बताना है किस सिटी में किया गया ये. ये किया गया आपके इटली में, इटली में एक रोम है वहां पर किया गया. नेक्स्ट, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, ये ऑर्गेनाइज किया गया हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा और हमारी भारत जो गवर्नमेंट है फिजी की उसके द्वारा किया गया. आपको यहाँ पे बताना है कि ये कौन सा एडिशन रहा है, ठीक है. पहली बात तो ये जानो कि जो आपका वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ये किसने किसने मिलकर किया है, ये आपकी यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है और जो गवर्नमेंट है फिजी की, उसने मिलकर के ये किया. कब किया, 15 to 17 of Feb 2023. और आपको बताना है कि इस बार कौन सा एडिशन रहा है, मतलब एडिशन का मतलब पता है क्या होता है, कि अब जो है जो अब होगा वो कौन से नंबर पे होगा. अभी तक जितनी बार भी हो चुका है ठीक है, लेकिन अब इस बार वो कौन से नंबर का है, तो आंसर यहाँ पर सी होगा, 12th एडिशन. मतलब अभी 11 बार हो चुका है और 12वीं बार अभी होगा, ठीक है, क्लियर बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइस मनी हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक टू फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ इंस्टेंट जीरो बैलेंस सेविंग और करेंट अकाउंट्स फॉर रूरल सिटीजन थ्रू इट्स अधिकारी नेटवर्क. यहाँ पे स्पाइस मनी इसने पार्टनरशिप की है किस बैंक के साथ, ताकि ये इंस्टेंट जीरो बैलेंस सेविंग और करेंट अकाउंट्स को क्या कर सके, ओपन कर सके, ठीक है, अपने रूरल सिटीजन के लिए अधिकारी नेटवर्क से. तो यू नीड टू आंसर हियर, ये यहाँ पे कौन सा बैंक है. केशव, शुभम, वेरी गुड यार, मतलब बहुत खुश हूं मैं. कशिश, बहुत बढ़िया. आप सभी जितने लोग देख रहे हैं ना, आप सभी आंसर करिए फटाफट से. मनीष, सौम्या, गौरव, एक्स बॉस, फटाफट से आंसर करो. इसका आंसर क्या होगा, योर आंसर हियर विल बी बी, दैट इज एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक की बात करें तो इट इज वन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर लेंडर बैंक. ये एक प्राइवेट बैंक है. एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में. अब बैंक की बात आई है तो इसमें हम तीन बैंक का नाम लेंगे जो यहाँ पर डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक के कैटेगरी में आते हैं. मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें SBI की, हम बात करें ICICI की, हम बात करें HDFC की, ठीक है. तो ये जो तीनों बैंक है ना, SBI, ICICI, HDFC, ये आपके ना डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की कैटेगरी में आते हैं. डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का मतलब क्या होता है, मुझे लाइक बहुत कम दिख रहा है, फटाफट से कशिश, केशव, एवरीवन, प्लीज एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा. हाँ बेटा बताओ, कशिश, केशव, शुभम, हरजप, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा. और एक चीज और क्या मैं बता रही थी, हाँ, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, जस्ट गिव अ सेकंड. चलो, तो डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कौन होता है, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक वो बैंक होते हैं कि अगर ये फेल हो गए तो इनके अगर ये फेल हो गए तो बहुत बड़ा यहाँ पर लॉस हो जाएगा हमारी इकोनॉमी को. अगर ये बैंक फेल हो गए तो हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा. तो ये आपके डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक होते हैं, ठीक है. तो इनका जो रोल है हमारे इकोनॉमी में वो बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है. तो ये चीज क्लियर हो गई है. आगे बढ़ते हैं. हु हैज ऑनर्ड विद द 2022 प्राइम मिनिस्टर प्राइज फॉर एक्सीलेंस इन साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल्स इन ऑस्ट्रेलिया. जो बच्चे अभी आए हैं मैं उनको बता दे रही हूँ, वेरी गुड. तो अभी मैं एक बार बता दे रही हूँ ना, जो बच्चे अभी नए आए हैं मैं उनको बता दे रही हूँ कि यहाँ पर अभी 15 क्वेश्चन इंग्लिश में है, फिर बाकी इंग्लिश हिंदी दोनों है, ठीक है. हाँ, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए एवरीवन. देखो क्या है ना, मैं एक चीज बताती हूँ तुम्हें. लंबी रेस का घोड़ा, लंबी जो रेस का घोड़ा होता है वो अंत तक पहुंच ही जाता है उसकी डेस्टिनी में, और जो घोड़े आते हैं बीच में थक जाते हैं फिर वो कभी अपनी डेस्टिनी को पहुंच नहीं पाते, है ना. तो इसीलिए ये तो एग्जांपल है. मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कि अगर आप लोगों को सक्सेस पानी है तो आप लोगों को लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा, ठीक है. आपको
क्योंकि आपके पास टाइम कम है, पढ़ना ज़्यादा है, और अभी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन भी रिलीज़ हो जाएगी, कर दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली आप अपनी, अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है, बस इसी में करना है आपको, है ना। हाँ ठीक है, तो पहली चीज़ यह है कि एकदम शुरू से अंत तक बने रहिए, जिससे आपका उद्धार हो, आई मीन आपका यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल सके। क्योंकि अगर बीच में छोड़ के जाते हो तो वो जीरो के बराबर हो जाता है, 50% इज इक्वल टू जीरो इन दी कॉम्पिटिशन। या तो आप 100% बनो या आप 0% बनो, या सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, दो चीज़ होती है, ठीक है। तो ये जो बीच का रास्ता है 50% वाला, ये जीरो के बराबर होता है, जिसे मैं हमेशा कहती हूँ। तो इसीलिए बनो तो 100% बनो, वरना 0% पे हुई। अभी 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 तुम लोगों को कहाँ तुम्हारी मंजिल मिली है, नहीं मिली है ना। 0% का मतलब अभी तुम्हें कोई मंजिल नहीं मिली है, 100% का मतलब मंजिल मिल जाएगी। तो ये जो बीच का रास्ता है 50%, ये इक्वल्स टू जीरो ही होता है। तो इसी वजह से फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ चलो, हाँ घोड़ा नहीं चीता बनना है, हाँ बिल्कुल बनना है चीता। चलो इसका आंसर यहाँ पर डी होगा, योर आंसर यहाँ विल बी डी, वीना नायर, ठीक है। तो वीना नायर को ऑनर किया गया 2022 प्राइम मिनिस्टर प्राइज फॉर एक्सीलेंस इन साइंस टीचिंग सेकेंडरी स्कूल्स इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। वीना नायर है, इनको यहाँ पर 2022 प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री इनको पुरस्कार दिया गया है, इनके साइंस टीचिंग विज्ञान के लिए, यहाँ पर विज्ञान टीचिंग के लिए सेकेंडरी स्कूल्स में ऑस्ट्रेलिया में, इसको इस वजह से यहाँ पे एक्सीलेंस का प्राइज दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द चेयर बिजनेस 20 B20 इंडिया इन दिसंबर 2022। तो इनमें से किसको अपॉइंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, बिजनेस 20 को ये हेड कर सके दिसंबर 2022 में, बताइए आंसर क्या होगा, बताओ। वेरी गुड केशव, अभी से लगे रहो, ठीक है। इनमें से आपको बताना है कि जो हमारी केंद्रीय सरकार है उसने किसको अपॉइंट किया है कि ये बिजनेस 20, जिसे हम B20 बोलते हैं, दिसंबर 2022 में ये यहां पर चेयर करेंगे। चेयर का मतलब होता है हेड करेंगे। तो आंसर होगा कुमार मंगलम बिरला, कुमार मंगलम बिरला, ठीक है, KM बिरला। आगे बढ़ते हैं। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, जिसे हम NSIC बोलते हैं, इसने साइन किया है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ठीक है, बताइए, ताकि यहाँ पर जो ये आउटरीच प्रोग्राम है, इसको हमारे जो MSME सेक्टर है, MSME का मतलब क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइसेस, तो MSME के लिए यहाँ पर बेसिकली जो उनको बेनिफिट्स हो सके, इसीलिए आउटरीच प्रोग्राम को यहाँ पर रखा है। तो इस चीज को करने के लिए NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के साथ किसने यहाँ पर साइन किया है, वेरी गुड, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी होगा, वॉलमार्ट, अमेजोन नहीं है बेटा, वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, अमेजोन के वो कौन है, हेड कौन है अमेजोन के, हु इज द CEO ऑफ अमेजोन, अमेजोन के CEO कौन है, हु इज द CEO ऑफ अमेजोन, CEO कौन है बेटा अमेजोन के, कोई बताएगा, वेरी गुड शुभम, एंडी जैसी, हाँ अमेजोन के जेफ बेजोस नहीं है बेटा, यही तो क्लियर करना है। देखो जेफ बेजोस, हाँ कुछ जेफ बेजोस बोल रहे हैं, कुछ एंडी जैसी बोल रहे हैं, आयुष कौन है, Who is the CEO of Amazon? According to Wikipedia, Jesse assumed the office Dekho. on the same day as Bezos had founded the company in 1994. See. During his first year running Amazon, he received a pay package of $212.7 million, a substantial increase from his 2020 compensation. Bas.
ज्यादा हो गया, गूगल ने ज्यादा बता दिया. देखो इसमें एंडी जैसी, बेटा जेफ बेजोस ने रिजाइन कर दिया था और एंडी जैसी यहाँ पर क्या बन गए हैं, एंडी जैसी सीईओ बन गए थे. ठीक है, एंडी जैसी, जेफ बेजोस ने रिजाइन कर दिया था और एंडी जैसी यहां पर बन गए थे क्या, सीईओ. हमें पता है गूगल की ना ये जो एलेक्सा वाली वॉइस है ना, आई लव दिस वॉइस, मुझे बहुत अच्छी लगती है. हाँ बट मैम क्या बेटा, बेटा एंडी जैसी, एंडी जैसी इज द सीईओ ऑफ ये क्या बोलते हैं अमेज़न. जेफ बेजोस पहले थे, आप इतना कंफ्यूज क्यों रहते हो इस चीज में. जेफ बेजोस बेटा पहले थे, मैंने आपको जब आपको मैंने पढ़ाया था अगर आपको याद हो, हालांकि भी बहुत सारे नए बच्चे हैं, मैंने एक बार आपको बताया था कि एंडी जैसी यहाँ पे सीईओ बन चुके हैं. ठीक है, हाँ बिल्कुल. चलो आगे बढ़ते हैं. आंसर हियर विल बी व्हाट, आंसर हियर विल बी दिसंबर 9. ठीक है, दिसंबर 9 को यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेशन ऑफ डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड मनाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सेलिब्रेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, किस दिन हम एंटी करप्शन डे मनाते हैं बताओ. हाँ बिल्कुल, इसका आंसर यहां पर क्या होगा, बिल्कुल क्या नाम है कशिश, कल की और आज की दोनों की शेयर कर देंगे. ठीक है बिल्कुल, हाँ आंसर यहां पर क्या होगा, डी होगा, दैट इज दिसंबर 9. ठीक है, दिसंबर 9 को हम वर्ल्ड सेलिब्रेट करता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे. चलिए समझ में आ गया बात, अब फटाफट से नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं. चलो इसका आंसर करो, एक मिनट बताओ, हु हैज मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ मेकिंग द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन वन डे इंटरनेशनल ओडीआई अगेंस्ट बांग्लादेश रिसेंटली. हाल ही में किसने बांग्लादेश के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है बताइए. हाँ शुभम बोल रहे हैं विराट कोहली, केशव बोल रहे हैं डी, ओके कशिश ए, वंशिका ओके ठीक है. अच्छा कंपनी है बेटा जेपी, कंपनी है वो. ठीक है आंसर यहां पर क्या होगा, योर आंसर हियर विल बी डी, दैट इज एक मिनट, योर आंसर हियर विल बी डी, दैट इज ईशान किशन. ठीक है, हाल ही में ईशान किशन को बांग्लादेश के खिलाफ एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है. क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Who has been appointed as the new MD and CEO of Ashok Leyland? Ashok Leyland एक कंपनी है, Ashok Leyland के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है फटाफट से बताइए. एक बार धुआंधार तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिए एवरीवन. आंसर here will be A, that is शीनू अग्रवाल. शीनू अग्रवाल को यहां पर अपॉइंट किया गया है न्यू MD एंड CEO ऑफ Ashok Leyland. क्लियर है, चलो पता है एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, जैसे क्या होता है ना कि मैंने बहुत लोगों का तरीका देखा है पढ़ाने का कि वो क्या करते हैं कि वो एक क्वेश्चन लेते हैं उसमें कई चीजें बताते हैं, ये है वो है ऐसा है वैसा है वैसा है, बट पता है ये एक सही तरीका नहीं है क्योंकि इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है. ठीक है, हम ऐसे करवा सकते हैं कि हम यहाँ पे डेली करवाए, वीकली करवाए, मंथली करवाए, तो उससे वो चीज़ प्रिपेयर हो जाती है क्योंकि हमें कोई यूपीएससी का पेपर नहीं देना है, है ना, हमें अभी कोई यूपीएससी वाला पेपर नहीं देना है कि हम बहुत लेवल का पेपर. आपके जो जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप आराम से यहाँ पे टैकल यू नो कर सकते हैं चीज़ों को. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, इसलिए एकदम एग्जैक्ट पढ़ो जो आपके एग्जाम में आता है, सिंपल एज दैट. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मेरा टेक्निक ये रहता है जैसे डेली करंट अफेयर्स का, मैं यहाँ पे एनालिसिस करवा देती हूँ कि उस करंट अफेयर्स में है क्या जो इंपॉर्टेंट वंस रहते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर एमसीक्यूज करवा देती हूँ. ठीक है, ताकि आपको चीज़ें प्रिपेयर हो जाएं और उसके बाद यहाँ पर हम जनरल नॉलेज करते हैं, और वीकली करंट अफेयर्स में हम यहाँ पे ऑलरेडी जो हम हफ्ते भर में पढ़ लिए रहते हैं उसका हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिविजन करते हैं, और किसी का छूटा है तो वहाँ यहाँ से कवर हो जाता है. तो दैट्स वाई दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है बिल्कुल, हाँ तो
है ना, तो इसी वजह से ना थोड़ा सबका वे अलग है. आई होप यू लाइक माई वे. कैसा लगता है पढ़ने में, कैसा था, मजा आती है? मैम आपकी भी वॉइस मस्त है, मिस्टर गोलू कह रहे हैं. बेटा मेरे जुकाम हो रखा है, टॉन्सिल हो गया मुझे, गले से आवाज़ नहीं निकल रही है, किसी तरीके से निकाल रहा है. इसीलिए पता है आज ये वाला माइक रखा है, वो वाला माइक नहीं रखा है. आज आज देखो ये वाला माइक रखा गया है इसे बोलने के लिए, बस क्योंकि थोड़ा सा भी बोलेंगे ना तो ज़्यादा आवाज़ आएगी इसमें, ये वाले माइक में होता है. ठीक है, तो इस वजह से ये माइक बहुत सही है, मुझे सही लगता है, क्योंकि कहीं पर भी बोलेंगे इस स्टूडियो में कहीं पर भी आवाज़ आएगी ना. देखो इस स्टूडियो में कहीं पे भी अगर चूं भी कर दोगे तो वो भी आवाज़ यहाँ पे आती है, तो ये बढ़िया वाला है ना. तो इसीलिए धीरे बोलने का, धीरे बोल के ज़्यादा सुनने वाला चीज़ है ना. डेविन आंसर यहाँ पर क्या होगा, शीनू अग्रवाल. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे. यूनिसेफ दिन हम कब मनाते हैं, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है, बताओ. तुम्हारे घर ट्रक आती है, बहुत बढ़िया, बहुत उमदा. यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड. फटाफट से आंसर करिए इसका आंसर क्या होगा. यूनिसेफ दिवस हर साल हम कब मनाते हैं, यूनिसेफ दिवस हर साल हम मनाते हैं दिसंबर 11 को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरीज हैज बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आई डी जनरेशन ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022. यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 के उत्सव के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी बनाने की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया. व्हाट विल बी द राइट आंसर. गाइस ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू आंसर एकदम फोकस होके. ठीक है, डोंट स्किप इन बिटवीन, जस्ट फोकस एंड कीप गोइंग. क्लियर है, चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट से. योर आंसर हियर विल बी सी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल माउंटेन डे, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है. विषय क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस, थीम क्या है, फटाफट से बताओ. Women Moves Mountain, International Mountain Day का थीम क्या है, Women Moves Mountain. Next question देखते हैं. Which of the following FMCG company has acquired 51 equity stake in Oziva for rupees 264 crore and Wellbeing Nutrition? बताइए इसका आंसर. निम्नलिखित में से किस एफएमसीजी कंपनी ने 264 करोड़ रुपए और वेलबींग न्यूट्रिशन के लिए ओजीवा में 51% इक्विटी हिस्सेदारी हासिल की है. आंसर यहां पर क्या होगा, तो आंसर हियर विल बी ए, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन.
कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? फटाफट से आंसर करिए, आई एम कमिंग जस्ट फॉर मिनट। I went to take this warm water, मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? Your answer here will be C, that is Tamil Nadu, ठीक है? सो तमिलनाडु अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी इज कॉमेमोरेटेड ऑन डैश। इट इज अ डे व्हेन पीपल लुक एट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फ्री आर्म्ड एंड अदर टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सो अंतर्राष्ट्रीय तट स्थिरता दिवस डैश को मनाया जाता है या एक ऐसा दिन है जब लोग सशस्त्र और अन्य प्रकार के संघर्षों से मुक्त दुनिया की संभावना देखते हैं। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, टेल मी वंस। हरिओम, वेरी गुड। इसका आंसर यहां पर क्या होगा? बी होगा दिसंबर 12। दिसंबर 12 को हम क्या मनाते हैं बेटा? अंतरराष्ट्रीय तट स्थिरता दिवस, जिसे इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज टू कोथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश एट हिस्टोरिक रिज ग्राउंड इन शिमला। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? बताइए, तो ये बहुत आसान आंसर है, बहुत आसान है ना ये। योर आंसर हियर विल बी डी, दैट इज सुखविंदर सिंह सुकू। एक बच्चा कल बोलता है पेड बैच में, बोलता है मैम जो आपने गाना बताया था ना कुसु कुसु वाला, वो याद आता है सुखविंदर सिंह सुकू के नाम से। कभी ऐसा मौका मिले कि उनसे मिलने का मौका मिले तो ये मत कह देना कि आपके नाम सुन के मुझे वो कुसु कुसु वाला गाना याद आता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रीम क्रू फॉर द फर्स्ट सिविलियन मिशन टू द मून हैज बीन अनाउंस्ड एंड इट इंक्लूड्स इंडियन एक्टर। चंद्रमा के पहले नागरिक मिशन के लिए ड्रीम क्रू की घोषणा की गई है और इसमें भारतीय अभिनेता डैश शामिल है। कौन शामिल है फटाफट से बताओ। आंसर यहां पर क्या होगा? योर आंसर हियर विल बी सी, दैट इज देव जोशी। ठीक है, देव जोशी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2022 हुरुन ग्लोबल 500 लिस्ट। 2022 की जो हुरुन की ग्लोबल 500 सूची में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक?
बताइए व्हाट इज द रैंक गाइस. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंडेक्सेस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही है. ठीक है, सो इसका आंसर यहाँ पर ई होगा, फिफ्थ रैंक है. नेक्स्ट, कौन सी कंट्री है, कौन सा देश है जिसने प्रिंट किया है पहला बैंक नोट, करेंसी नोट जिसे बोलते हैं, दो महिलाओं के सिग्नेचर के साथ. मतलब किस देश ने दो महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट मुद्रा छापा है. विच कंट्री हैज प्रिंटेड द फर्स्ट बैंक नोट्स, करेंसी नोट्स विद टू वुमेन सिग्नेचर्स. व्हाट विल बी द राइट आंसर गाइस, बताइए. आंसर यहां पर क्या होगा, बी होगा, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एयरपोर्ट कंट्रीज लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल कमीशन. किस हवाई अड्डे पर देश का पहला बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल कमीशन किया गया है. कृषु चुपचाप पढ़ाई करो. इसका आंसर यहां पर क्या होगा, वेरी गुड केशव, आंसर हियर विल बी सी, दैट इज कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट. कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है बताओ, कमेंट करके बताओ, वेयर इज कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन द कंट्री. तो यहां पर भारत के किस राज्य को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है, बताइए. आंसर यहां पर होगा डी, दैट इज केरला. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे हर साल कब मनाया जाता है. अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है बताओ. बताओ, कुछ बच्चे यहां पे ना फालतू बकवास करने आते हैं. फिर से डांट सुननी है क्या पापा की परी. नेक्स्ट देखते गाइस, सारे क्वेश्चन समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज फ्लैग्ड ऑफ इंडिया सिक्स्थ वंदे भारत एक्सप्रेस बिटवीन डैश रूट रिसेंटली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में डैश रूट के बीच भारत की छठी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है. हाँ बिल्कुल, इसका आंसर बताओ फटाफट से. वेरी गुड, आंसर यहां पर क्या होगा, योर आंसर हियर विल बी बी बिलासपुर टू नागपुर. यार बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया स्वप्ना. वेरी गुड बेटा, केशव, शुभम, संस्कार झा, कशिश, यार मतलब सच में दिल खुश हो गया. हरिओम, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज मीटिंग आर स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑन 13 to 15 December. 13 से 15 December 2022 को निम्नलिखित में से किस शहर में पहली G20 वित्त और सेंट्रल बैंक डेप्यूटी बैठक आयोजित होने वाली है. फटाफट से बताओ, किसको किसको आम पापड़ खाना है, बिग बर्ड को खाना है. शाली मैम, दो मिनट के लिए स्पैम कर लूं, ये देखो पूछ रहे हैं, दो मिनट के लिए स्पैम कर लूं. ये स्पैम वाले कमेंट सिर्फ हमको ही दिखाई देंगे फिर, और किसी को दिखाई नहीं देंगे, हाइड हो जाओगे. आम पापड़ खाने किसको, ये देखो आई एम हैविंग दिस आम पापड़. हमारे यहाँ अभी ऑफिस के नीचे, मतलब आई मीन जो बिल्डिंग है उसके नीचे स्टॉल्स लगे हुए थे. क्रिसमस आ रहा है ना, तो क्रिसमस पे स्टॉल्स वगैरह लगते हैं. सो एक अम्मा जी करके कंपनी है, तो यू नो दे सोल्ड दिस आम पापड़, और वो पूड़ी बनाने के लिए जो मसाला आता है यार, मतलब
ये दो इट इट्स घरेलू बट इट्स सुपर टेस्टी है ना. व्हेन यू विल यू नो अप्लाई दिस इन द हाउस होल्ड थिंग्स. आंसर यह विल बी ए दैट इज बैंगलुरु. बेटा इसरो का हेडक्वार्टर किधर है? बैंगलुरु में. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बैंगलुरु, याद रखना. तो पहली G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज मीटिंग ये हेल्ड हुई थी 13 से 15 दिसंबर 2022. कहाँ पर हुई थी बेटा? बैंगलुरु में हुई थी, है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है पहला फेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, कहाँ पर किया है? सॉरी स्टूडेंट्स, सो सॉरी. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है पहला फेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मोपा, और ये बेसिकली कहाँ पर किया है? मोपा में किया है. और ये बेसिकली कहाँ पर है? नॉर्थ गोवा में है. तो आपको बताना है, अरे यार, आपको बताना है कि इस एयरपोर्ट का नाम जो है किस इंसान पर रखा गया, इस एयरपोर्ट का नाम किस इंसान पर रखा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में उत्तरी गोवा के मोपा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया है. उन्होंने इस हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा है बताओ? वेरी गुड. आंसर विल बी मनोहर पारेकर. आंसर क्या होगा? मनोहर पारेकर. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. भूपेंद्र पटेल हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ दी स्टेट. भूपेंद्र पटेल को भारत के किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? वेरी गुड शुभम. स्वप्ना कशिश, संस्कार, बिग बर्ड, शैलजा, हरिओम, बहुत बढ़िया. नर्स, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड. आंसर यहां पर क्या होगा? योर आंसर यहां विल बी डी, दैट इज गुजरात. गुजरात के अभी हाल ही में यही चीफ मिनिस्टर बनाए गए भूपेंद्र पटेल. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल मून लैंडर इन दिसंबर 2022? निम्नलिखित में से किस देश ने दिसंबर 2022 में दुनिया का पहला वाणिज्यिक चंद्रमा लैंडर लॉन्च किया है? All questions are super important. कोई नहीं अनस यार, ऐसे ऐसे तुम ऐसे रुलाओगे मैम को? Answer will be C, that is Japan. अभी कुछ महीने पहले जापान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उनका हाल ही में निधन हो गया था. उनका नाम क्या था? शिंजो अबे. ठीक है, शिंजो अबे का निधन हो गया था. जापान के प्राइम मिनिस्टर थे वो फॉर्मर. Who has been named as the ICC Men's Player of the Month फॉर November 2022? नवंबर 2022 के लिए ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? हाँ, वेरी गुड कशिश, प्रीति, बहुत बढ़िया. क्या हो गया शुभम? मनीषा, कुकू 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 नाम कौन रखता है? कुकू कुकू इज गुड नेम ना. कुकू मेरे जो मेरे डॉग का नाम था उसका नाम था डोरा यार. ही वाज सुपर क्यूट बट उसका भी निधन हो गया. सो आई एम वेरी अटैच टू द डॉग्स. मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है डॉग्स एंड ऑल. काफी वो पता है, दुनिया तो इतनी जालिम है दोस्तों, एक ही वफादार है, वो है हमारा डोरा. मतलब हमारे बहुत वफादार होते हैं, पता है, इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं कुत्ते, है ना. आंसर यहां पर क्या होगा? डी होगा, जॉर्ज बटलर. ठीक है, सो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर 2022 जॉर्ज बटलर. ठीक है, नेक्स्ट. Who took oath as the new judge of Supreme Court? सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? जर्मन शेफर्ड इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ डॉग. नाइस नाइस, बहुत बढ़िया. बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, दैट इज दीपांकर दत्ता. दीपांकर दत्ता को अभी हाल ही में बनाया गया है
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, न्यू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज नाउ प्लानिंग फॉर इट्स जेनेटिक डेवलपमेंट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंडिजिनस बद्री काउ दैट ग्रेजेस ऑन द मेडिसिनल हर्ब्स. औषधि जड़ी बूटियों पर चरने वाली स्वदेशी बद्री गाय को उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौन सा राज्य अब अपने अनुवांशिक विकास की योजना बना रहा है? बताइए तो जरा कौन है वो राज्य. आंसर विल बी ई, उत्तराखंड. फर्स्ट नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क कहां पर बनाया गया? उत्तराखंड में बनाया गया. इंडिया की बात कर रही हो, नेशनल पार्क की बात करें तो इंडिया में पहला नेशनल पार्क हमारा कहां पर है? फर्स्ट नेशनल पार्क कहां पर है? उत्तराखंड में. कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है. और इसके साथ ही साथ उत्तराखंड, हाँ ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अरब कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड फर्स्ट एवर अरब बिल्ड लूनर स्पेसक्राफ्ट. किस अरब देश ने पहले अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? कौन सा अरब कंट्री है बेटा? डेविल बोल रहे मैम रिचार्ज करवा दीजिए. हाँ, अपना अकाउंट नंबर दे दो, आईएफएससी कोड दे दो, पिन दे दो, सब दे दो, यहीं पे तुम्हारा रिचार्ज कर देंगे. वेरी गुड, आंसर होगा ई, यूएई. यूएई का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है. विच अरब कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड फर्स्ट एवर अरब बिल्ड लूनर स्पेस? यूएई. नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been named as the ICC Women's Player of the Month for November 2022? November 2022 के लिए ICC महिला Player of the Month किसे नामित किया गया है? बताइए तो जरा. गुरुदेव मंडल. Contact me at वैशाली.पांडे @adda247.com. मुझे मेल कर देना इस पे, ठीक है. जिसको भी प्रॉब्लम है ना किसी चीज से रिलेटेड, यू कैन मेल मी. कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी हो तब भी हम बेटा आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू ऑल. तो आप वैशाली.पांडे@adda247.com पे आप मुझे मेल कर दीजिएगा अपने नंबर के साथ, अपने फोन नंबर के साथ कीजिएगा, ठीक है. आंसर यहाँ पर बी होगा, सिद्रा आमीन. क्यों मैं ये मेल दे रही हूँ? क्योंकि अभी मैं अभी मतलब क्या होता है ना, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, मैं हर सारे डाउट सॉल्व नहीं कर सकती एक एक करके, ठीक है. तो ऐसे क्योंकि सेशन लेट हो जाएगा फिर, है ना, सेशन लंबा खींच जाएगा, फिर आने वाले टीचर्स हैं बाकी, उनको भी क्लास लेनी होती है, ठीक है. तो अभी यू कैन मेल मी एट वैशाली.पांडे@adda247.com. आई एम गोइंग टू गिव यू दी सॉल्यूशन, ठीक है. सिद्रा आमीन, चलो ये हो गया. अब लास्ट 15 क्वेश्चंस देखते हैं, हमारी लास्ट 15 क्वेश्चंस हैं ये. वैसे तो आप लोग आंसर देख ही लियो, बट कोई बात नहीं. विच स्टेट हैज बीन अवॉर्डेड फॉर इट्स इनिशिएटिव जन आंदोलन against tuberculosis at a national workshop on ASCM to end tuberculosis in India. भारत में टीवी का को समाप्त करने के लिए ASCM पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला में क्षय रोग के खिलाफ अपनी पहल जन आंदोलन, जिसे लोगों का आंदोलन बोलते हैं, जन मतलब लोग, ठीक है, जनता मतलब लोग, ठीक है. तो लोगों का आंदोलन के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? पीपल्स मूवमेंट. क्या होगा, कौन इसका आंसर क्या होगा गाइस? इसका आंसर यहां पर होगा ई, दैट इज मेघालय. सबसे ज्यादा रेन कहां पर होती है? रेनफॉल सबसे ज्यादा कहां पर होता है? मेघालय में, ठीक है. वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मांगसे है आई थिंक, मांगसे, ठीक है, मेघालय में, जहां पर रेन सबसे ज्यादा होती है.
नेक्स्ट, विच स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड वनीकरण प्रोजेक्ट टू रिस्टोर नेचुरल वेजिटेशन? विच राज्य कह रही हूँ, किस राज्य के वन विभाग ने प्राकृतिक वन स्पीति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की है? गुरुदेव मंडल, यार क्यों स्पैम करो बेटा, मैंने आपके बता दिया ना, vaishali.pandey@under247.com पे आप मुझे मेल करिएगा। आई थिंक केरला, यू थिंक केरला, आई ऑल्सो थिंक यू आर राइट, आंसर विल बी सी, दैट इज केरला। सो केरला है, ठीक है। केरला के वन विभाग ने प्राकृतिक वन स्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना जो है शुरू की है। नेक्स्ट देखते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया हैज ईज टू हाउ मच परसेंट इन नवंबर 2022 फ्रॉम 6.77% इन प्रीवियस मंथ? भारत की खुदरा मुद्रा स्फीति नवंबर 2022 में पिछले महीने के 6.77% से घट कर कितने प्रतिशत हो गई है? आंसर यहां पर क्या होगा, डी होगा, 5.88%। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been elected as the President of Cardiological Society of India for 2023-24 in an annual meeting held in Chennai? Chennai में आयोजित एक वार्षिक बैठक में 2023-24 के लिए Cardiological Society of India के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? बताइए। आंसर यहाँ पर क्या होगा? Your answer here will be B, Dr. P.C. Rath, ठीक है? Dr. P.C. Rath is the right answer. Next, who has won the gold in the women's air pistol 65th National Shooting Championship competition in pistol event held in Bhopal? Bhopal में आयोजित महिला एयर पिस्टल 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप में पिस्टल स्पर्धाओं में किसने स्वर्ण पदक जीता है? बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। लास्ट 15 क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक है, लास्ट आई थिंक 10 क्वेश्चंस और हैं, बस 10 क्वेश्चंस और करेंगे आज और सेशन को समाप्त करेंगे, कल हो या ना हो ये क्या होता है। आंसर विल बी ए, दिव्या, ठीक है। दिव्या ने जीता है गोल्ड विमेंस एयर पिस्टल 65th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, जो कहां पर हुआ था, भोपाल में हुआ था। भोपाल को क्या बोला जाता है बेटा, भोपाल की बात करेंगे, भोपाल, भोपाल को हम क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ लेक्स, भोपाल का निकनाम कह रही हूँ, निक नेम क्या है, भोपाल का निक नेम है सिटी ऑफ लेक्स। भोपाल कहाँ पर है, भोपाल किस जगह पे है, एमपी में, मध्य प्रदेश में, भोपाल एमपी का कैपिटल है, भोपाल एमपी का कैपिटल है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्फर्ड विद द 25th श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड? निम्नलिखित में से किसे 25वीं श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर डी होगा, वेंकैया नायडू, आंसर हियर विल बी वेंकैया नायडू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश 2022, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल डैश 2022 को मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, 14 दिसंबर को, 14 दिसंबर इज मार्क्ड एज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हैज रिकमेंडेड टू द सेंटर एंड द नेम्स ऑफ द 5 हाई कोर्ट जजेस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एपेक्स कोर्ट जजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए केंद्र का उच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश की है, निम्नलिखित में से कौन इस सूची में शामिल नहीं है? नहीं है पूछा है बेटा, कौन इस सूची में शामिल नहीं है बताइए। तो आप सभी को पता है जस्टिस कविता पंडित को हमने बताया था, आप इसका सही आंसर जस्टिस कविता पंडित नहीं है, बाकी है जस्टिस पंकज मित्तल है, जस्टिस संजय करोल है, जस्टिस पीवी संजय कुमार है, जस्टिस अशानुद्दीन है, ठीक है, बाकी जस्टिस कविता पंडित नहीं है। सो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने रिकमेंड किया है सेंटर को 5 हाई कोर्ट जजेस का नाम, और ये कौन है, जस्टिस पंकज, जस्टिस संजय, जस्टिस पीवी अजय, सॉरी संजय कुमार, जस्टिस असानुद्दीन, ठीक है। तो यहाँ भी नहीं है, बाकी कविता इस इंक्लूड में, इस जस्टिस कविता इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है डैश विल बिकम इट्स न्यू चीफ साइंटिस्ट। तो यहाँ पर बेसिकली विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि इसके नए मुख्य वैज्ञानिक बनेंगे, कौन बनेंगे वैज्ञानिक,
इसके नए मुख्य वैज्ञानिक किसको बनाया जाएगा? डॉक्टर जेरेमी फरार को. डॉक्टर जेरेमी फरार, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि हम इसके मुख्य आपके जो क्या नाम है ये वैज्ञानिक है वो कौन बनेंगे? कशिश है ना. सारे टीचर्स बेटा मस्त पढ़ाते, बस पढ़ने का जुनून चाहिए. ठीक है चलो, आप अच्छा आप रेगुलर हो, आप पढ़ोगे तो इसलिए वो अच्छा पढ़ाती हैं, बाकी आप नहीं पढ़ते तो वो नहीं पढ़ाती है ना. आप लोग अच्छा करते हैं इसलिए हम लोग अच्छा कर लेते हैं, बाकी आप लोग जब अच्छा नहीं करते फिर हम लोग भी डाउन हो जाते हैं कि भाई सामने वाला तो पढ़ ही नहीं रहा है ना. सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास का उद्घाटन करेंगे? तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू ले दी फाउंडेशन स्टोन एंड इनॉग्रेशन प्रोजेक्ट वर्थ ₹75,000 करोड़ इन विच स्टेट? बताओ आंसर यहां पर क्या होगा. योर आंसर हियर विल बी महाराष्ट्र. ठीक है चलिए. सो गाइज वी हैव फिनिश्ड आर वीकली करंट अफेयर सेशन. आई होप आपको मजा आई हो बहुत सारे क्वेश्चंस करने में, और आपको एक एनालिसिस भी हुई होगी कि किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं. और बेटा पता है यहाँ से ज़रूर फंसेगा तुम देखना. ठीक है सो इसीलिए आप एकदम रेगुलर रहिए और सारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है सो अड्डा 24/7 के ऐप को डाउनलोड कर देना, यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है बिल्कुल बिल्कुल कशिश बिल्कुल. चलिए सो थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल. तो हाँ समझ में आ रही है बात. एक चीज और, यहां पर बेसिकली हमारी करंट अफेयर्स की यू नो CUT 2023 की जो निपुण बैच है वो स्टार्ट होने वाली है दिसंबर 20 से. आपकी इंग्लिश और जनरल टेस्ट की क्लास स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है और यहाँ पर आपकी जो अदर डोमेन की क्लासेस है वो दिसंबर 17 से आपकी यहाँ पर आज से आपकी आर्ट्स डोमेन की क्लासेस स्टार्ट वो उसकी आर्ट्स से ना नहीं नहीं कॉमर्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी. फिर दिसंबर 20 से इंग्लिश जनरल टेस्ट की स्टार्ट हो जाएगी. एक मिनट जस्ट वेट अ सेकेंड. दिसंबर 17 से आपकी कॉमर्स की स्टार्ट होगी, दिसंबर 20 से आपकी आर्ट्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और दिसंबर 16 कल से आपकी स्टार्ट हो गई है साइंस की क्लास, और आपकी दिसंबर 26 से जनरल टेस्ट की क्लास स्टार्ट हो जाएगी. सो अगर आपने अभी तक निपुण बैच में एनरोल नहीं किया है बेटा, एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है, यू कैन गो एंड एनरोल हेयर. और आपको यूज करना है कोड क्या, Y455. इस कोड को यूज करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है आप इस कोड को यूज कर लीजिएगा एंड यू विल मैम एनरोल बता दो एक बार. ठीक है सुमित मैं बताती हूँ बेटा कैसे करते हैं. ठीक है आप इस कोड को यूज करना मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए. इसको स्क्रीनशॉट ले लो इस कोड का. देखो क्या क्या करना है. सबसे पहले आपको अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करना है. ठीक है सबसे आप अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करोगे क्योंकि वहां से आपको और ज्यादा कम मिलता है पैसा, कम पैसे में और खरीद सकते हो. ठीक है देखो बाय कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए. मैं बताती हूँ पहले अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करो. ठीक ऐप को डाउनलोड कर लिया, वहां पे पूछता है कौन से एग्जाम के लिए, तो वहां पे अंडर ग्रेजुएट एग्जाम लिख लो कहीं पर. ठीक है अंडर ग्रेजुएट एग्जाम पे क्लिक करना है. अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के बाद आपको CUT पार्ट ए पार्ट बी में जाना है. CUT पार्ट ए पार्ट बी, जब आप CUT पे क्लिक करोगे तो फिर उसके बाद लॉगिन का आएगा, लॉगिन कर लेना अड्डा 24/7 का ऐप. उसके बाद क्या करना, सबसे नीचे के राइट साइड में जैसे ये आपका वो दिया रहेगा ना, तो ध्यान से सुनना, जैसे आपका यहाँ पर ये दिया रहेगा ना, ये ऐसे करके ये आपका मोबाइल है, तो यहाँ पे राइट में आपका स्टोर का ऑप्शन आता है स्टोर. जैसे ही तुम स्टोर पर क्लिक करोगे वैसे ही तुम्हें एक यहाँ पे स्क्रीन नजर आएगी, यहाँ पे तुम्हें CUT 2023 आर्ट, CUT 2023 कॉमर्स, CUT 2023 साइंस, जनरल टेस्ट, स्किल डेवलपमेंट, ऐसे दिखेगा. ठीक है और एक पर्टिकुलर कोर्स पे आप उस पर क्लिक कर देना. ठीक है एक बार मैं आपको ले चलती हूँ हमारे अपने कोर्स की तरफ, कोर्स में दिखा देती हूँ आपको एक बार. देखो ऐसे
जाओगे कोर्सेज में अंडर ग्रेजुएट में आप सीयूटी सेलेक्ट करना, फिर आप जैसे आपको मालूम जनरल टेस्ट करना है सीयूटी 2023 लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट, लैंग्वेज जनरल टेस्ट करना है आप ये वाला बैच चुनोगे सीयूटी 2023 ये वाला निपुण बैच, ये इसको आप यहाँ पे क्लिक करोगे। जब इसको क्लिक कर दोगे उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये आप व्यू ऑफर्स अवेलेबल में आएगा, यहाँ पे आप कूपन कोड यूज करोगे क्या Y455, ये लिख लो कहीं पर बेटा Y455 और अप्लाई कर दोगे। जब आप अप्लाई कर दोगे ना तो ये जो कोर्स है ये 2904 में आएगा, और जब आप ऐप पे करोगे ना यूज कॉइन्स भी आते हैं, यूज कॉइन्स पे क्लिक कर देना, ऑफर अवेलेबल पे क्लिक करना, तो वहाँ पर बेसिकली आपका एंटर द कूपन कोड पूछता है, वो भी अप्लाई कर देना, ठीक है। तो जब कर दोगे तो 2800 कुछ में आएगा अगर आप ऐप से करते हो, 2800 में आएगा जब आप ऐप से करते हो, वरना अगर आप गूगल बाबा से करोगे तो 2904। गूगल पे कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो गूगल पे कैसे आप करोगे, सबसे पहले आप गूगल बाबा पे जाओगे, अड्डा 24/7 ओपन करोगे, ऑल कोर्सेज में जाना, अंडर ग्रेजुएट में सीयूटी सेलेक्ट कर लेना। सीयूटी में मान लो आर्ट्स, तुमको आर्ट्स पढ़ना है, आर्ट्स में तुम जाओगे निपुण बैच, तुम्हें दिख जाएगा निपुण बैच, थोड़ा नीचे आओगे बाय नाउ पे करोगे क्लिक, बाय नाउ पे करने के बाद यहाँ पर मेरा कोड यूज करना Y455। क्या है कोड, ये कोड, ये है कोड, आपको कौन सा यूज करना है कोड, आपको Y455 यूज करना है, ठीक है Y455। तो अप्लाई करते हैं एक बार, अप्लाई कर दोगे ना, और तो ये आपका 4979 में आएगा, ठीक है 4979, ये डोमेन रिलेटेड है, मतलब साइंस डोमेन, कॉमर्स डोमेन, आर्ट्स डोमेन, सबका ये 4979 रहेगा, ठीक है ये कोर्स का प्राइस है। और इसके साथ ही साथ व्हाट यू विल डू, ठीक है तो आप इस तरीके से आप एनरोल कर सकते हो, ऐप से भी कर सकते हो, ऐप से भी कर सकते हो, पहले ऐप तो डाउनलोड करो, ऐप से भी कर सकते हो, बाकी आप गूगल से भी कर सकते हो, ठीक है दोनों तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो यूज करना है कोड Y455 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, आगे बढ़े। सो एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे, आई होप यू लव दिस सेशन, मिलते हैं कल सुबह, कल नहीं परसों, नहीं नहीं आज एक सेशन है, आई थिंक 12:30 बजे, कितने बजे है, एक मिनट, एक सेशन है 12:30 पे, जो नया, जो अभी नया आपका पैटर्न आया है ना उस पर, ठीक है सीयूटी के नए पैटर्न पे, तो उसको सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, लव यू ऑल। आज मेरी तबीयत नहीं सही है, थोड़ी सी एनर्जी कम है, बट विल ट्राई कि जल्दी से सही हो जाए। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल।